हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई आप एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही है, ठीक है। तो अब आप स्टार्टिंग करते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो मेरे पास fx है वो दे रखा है x³ - 6x² + 11x - 6 और इंटरवल है 1/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई fx मेरे पास क्या है, fx इज पॉलिनोमियल, fx मेरे पास क्या है पॉलिनोमियल है। fx पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1-3। सेकंड इज fx इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल 1-3, राइट। अब क्या करते हैं थर्ड कंडीशन, एफ एट 1 क्या वैल्यू देगा, एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 0 आएगा। सिमिलरली 3 पुट करोगे तो 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ f(1) = f(3। अब रोलीज थ्योरम की तीनों की तीनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। हेंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम आर सेटिस्फाई। देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, जो मेरे पास f'c होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जो मैंने बोला है ये आपको लिखना होगा। तो क्या है, fx दे रखा है तो f'x निकालो, यानी कि इसका एक बार डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करेंगे 3x² - 12x + 11। अब क्या करो, x की जगह पे c पुट कर दो, c पुट करेंगे 3c² - 12c + 11। क्या करो, f'c को इक्वेट करो किसके, 0 के, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे 3c² - 12c + 11 = 0। फॉर्मूला पता है क्या, माइनस का भी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² - 4ac / 2a, राइट। तो वैल्यूज पुट करो, b मेरे पास क्या है 12, माइनस का 12 आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट, b का स्क्वेयर करेंगे 12 का स्क्वेयर 14 - 4, a कितना है 12 और इंटू 11 ये होगा 132, 132, ठीक है, और अपॉन में 2a 6 हो गया। सोल्व करो इसको, सोल्व करेंगे तो 12 प्लस माइनस ये बनेगा भाई मेरे पास 12, ठीक है, अंडर द रूट 12 आ गया। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 ये लिख सकते हैं, अपॉन में 6। सोल्व किया 2 + √3/3, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ सी बिलोंग, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट बिटवीन दिस। तो इस लाइन को लास्ट में आपको लिखना होगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। तो सी एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ से बोल सकते हैं आप, हेंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो सेकंड, देखो सेकंड क्या दे रखा है भाई, x³ + 3x² - 24x - 80, राइट। इंटरवल दे रखा है -4 और 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल है तो ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, डेरिएबल भी होगा। तो f एट -4, f(-4 - 5, तो क्या करोगे, -4³ + 3 - 4² - 4 × -4 - 80। सोल्व करोगे, सिमिलरली इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे,
जीरो ही आनी है भाई, ठीक है, चेक कर लेना, ये जीरो और ये जीरो ही आएगी। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, तो तीनों की तीनों जो रोलीज थ्योरम की कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है। तो आप बोल सकते हैं एक सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सी एग्जिस्ट किस तरह से करेगा कि जो एफ डैश सी है वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो अब क्या करो, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, जो होगा 3x² प्लस का 6x माइनस का 24। कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। या x की जगह c रख दो यार, c रखेंगे 3c² प्लस 6c माइनस 24। क्या करो, f डैश c को इक्वल टू जीरो इक्वेट करो। इक्वल टू जीरो इक्वेट करेंगे तो 3c² प्लस का 6c माइनस 24 इक्वल टू जीरो। 3 कॉमन निकालो, सी स्क्वेयर प्लस का 2c माइनस का 8 इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, सी स्क्वेयर प्लस 2c माइनस 8 इक्वल टू जीरो। तो यहां से c की वैल्यू आएगी c प्लस 4 और c माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो c इज इक्वल टू 2। तो c इक्वल टू 2 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है? एक वैल्यू आएगी c इज इक्वल टू माइनस 4 जिसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो c इज इक्वल टू 2 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो यहां से बोल देंगे हैंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, राइट। ये लिख लेना। अब करते हैं बात, ये क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखते आ रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। थर्ड की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24 और इंटरवल दे रखा है 2 से 4, ठीक है। इंटरवल क्या दे रखा है? 2 से 4। तो जल्दी से सोल्व करो भाई इसको। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा भाई। कहां पर? क्लोज इंटरवल 2 और 4 के अंदर। डेरिएबल भी होगा 2 और 4 के अंदर, ठीक है। अब क्या करो, f(2) निकालो, f(4) निकालो। ये दोनों वैल्यूज भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है। मैं पुट करके नहीं दिखा रहा हूँ भाई, यहाँ पर पुट कर लेना, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? इक्वल आएगी। इक्वल आएगी तो मैं बोल सकता हूँ एक इस तरह से c एग्जिस्ट करेगा कि f डैश c क्या होगा? 0। तो इसका f डैश x निकालो, f डैश x निकालेंगे तो 3x² माइनस 18x और प्लस का 26। एफ डैश सी, एक्स की जगह सी पुट करो, 3c² माइनस 18c प्लस 20c इक्वल टू 0। एफ डैश सी को इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे। अब क्या करो, फॉर्मूला लगाओ भाई, माइनस का भी, तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वेयर यानी कि 18 का स्क्वेयर माइनस 4, ए क्या है ये और ये क्या है 6, अपॉन में 2a यानी कि 2 × 3, राइट। जल्दी से इसको सोल्व करो भाई, जल्दी से सोल्व करो इसको। 18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 3 × 4, राइट। इसको सोल्व करोगे 12 × 24, ये 132 नहीं 312 अपॉन में 6, 3 × 2 = 6। अब इसको सोल्व करेंगे, 18 माइनस अंडर द रूट कितना आ गया ये मेरे पास, 12 आ गया, प्लस माइनस, ठीक है, अपॉन में 6। तो वही है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 अपॉन में 6। सोल्व करो, 3 प्लस माइनस 1/√3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? सी की वैल्यू आ गई। तो देखो सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं जो अपनी रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, वेरीफाइड होगी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का पार्ट फर्स्ट क्या दे रखा है भाई? जो एफ एक्स है वो आप लोगों को दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 और इंटरवल दे दिया -1 से 4, राइट। अब देखो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, 5 रखेंगे तब नीचे 0 आएगा, बट इंटरवल क्या दे रखा है, -1 से 4 दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और ये डेरिवेबल भी होगा। तो वो कंडीशन तो एज इट इज आ गई कि फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, राइट।
कहाँ पर? इन 1 और 4। सिमिलरली fx क्या होगा? डेरिएबल भी होगा। या एक तरीका और है इसको करने का, अब वो तरीका क्या है, एफ डैश एक्स निकाल लो, वैल्यू चेक करो डिफाइन आ रही है नहीं आ रही। अगर डिफाइन आ रही है, क्या रही है, डिफाइन फाइनाइट और रियल, तो आप बोल देंगे एफ एक्स क्या है, डेरिएबल, और एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इन ओपन इंटरवल -1, 4। तो एफ एट -1, ठीक है, और एफ एट 4। एक्स की जगह 1 पुट करो, एक्स की जगह -1 पुट करो, एक्स की जगह 4 पुट करो, वैल्यू चेक करो, बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है, अब सेम आने के बाद रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। तो मैं बोल दूंगा एक सी एग्जिस्ट करेगा, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, कि जो मेरे पास एफ डैश सी होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यू बाई वी का यूज करेंगे, नीचे वाले का स्क्वेयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, 2x माइनस 3, माइनस का साइन, ये वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा। सोल्व करो इसको, सोल्व करो या क्या करो, c पुट कर दो x की जगह पे और उसको इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, मैं x की जगह पे c पुट कर रहा हूँ, c माइनस 5, 2c माइनस 3, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 अपॉन सी पुट कर रहे हैं। ठीक है, सी माइनस 5 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। इस टर्म को उस साइड लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, सी की इसके साथ की 2c स्क्वेयर, सी की 3 के साथ करी 3c, ये हो गया माइनस का 10c, और इसकी करेंगे प्लस का 15। ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस का सी स्क्वेयर प्लस का 3c प्लस का 4 इक्वल टू 0। सोल्व करो, 2c स्क्वेयर तो एज इट इज, ये 2c स्क्वेयर और ये माइनस का सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर, ये 3c, 10c, ये प्लस का 3c है, ये माइनस का है, तो ये कट गया, तो क्या बच गया, प्लस का, माइनस का 10c बच गया। ठीक है, माइनस का 10c और ये कितना हो गया, 19, प्लस का 19 इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज करो भाई, वही माइनस का भी 10 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर, सो माइनस 4ac, 4a1c 19 अपॉन में 2a, राइट, ये क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब आगे सोल्व करो इसको जल्दी से, सोल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 प्लस माइनस अंडर द रूट 100 माइनस 36, तो 36 24 ही बचता होगा, हाँ 24 बचेगा भाई, 36 36, हाँ, और नीचे आ गया मेरे पास 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, 10 प्लस माइनस 2 × 2 = 4, 6 अपॉन 2a, मतलब 2 5 प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, अंडर द रूट 6। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि c एग्जिस्ट कर रहा है, तो हैंस रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर आप लोगों ने रोलीज थ्योरम प्लस उसके जो एग्जाम्पल्स की वीडियो है वो अच्छे से देख लेना, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज में कुछ नई चीज़ नहीं है, जस्ट वही पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, एफ एक्स दे रखा है अंडर द रूट 4 − x², इंटरवल क्या दे दिया, इन, राइट, ये इंटरवल दे दिया। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर को आगे लिया या, ठीक है, पावर को आपने आगे लिख लिया, फिर 4 − x² -1 किया, -1/2, अब इसका करेंगे माइनस का 2x, सोल्व किया, 2 से 2 गया, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का एक्स अपॉन अंडर द रूट 4 − x², ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की। अब इसके अंदर माइनस 2 पुट करेंगे तो भी रियल वैल्यू आएगी, 2 पुट करेंगे तो भी रियल वैल्यू, यानी कि ये फाइनाइट भी है,
डिफाइन भी है और रियल भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स क्या होगा, डेरिएबल होगा, एफ एक्स इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस टू और टू। अब पता है जो फंक्शन डेरिएबल होता है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा इन क्लोज इंटरवल दिस, ठीक है। अब f एट माइनस टू और f एट टू ये भी इक्वल आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके देख लेना, इसके अंदर जब आप टू पुट करोगे तब सोल्व कर लेना, माइनस टू पुट करोगे तब सोल्व कर लेना, दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि माइनस टू का स्क्वेयर करोगे तो भी फोर आएगा और टू का स्क्वेयर करोगे तो भी फोर ही आएगा, फोर माइनस फोर जीरो आएगा, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब इक्वल आएगी तो एक सी एग्जिस्ट करेगा किस तरह से, इस तरह से। अब एफ डैश एक्स निकाल चुके हैं तो सी पुट कर दो जस्ट, तो सी पुट करेंगे माइनस का सी अपॉन अंडर द रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो माइनस सी इस टर्म को उस साइड लेके जाएंगे तो जीरो के, तो सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सी इज इक्वल टू जीरो, क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, माइनस टू से टू के बीच में। तो आप बोल सकते हैं सी लाई कर रहा है इस इंटरवल के बीच में, तो जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी अपनी, वेरीफाई होगी, राइट। तो ये आप लोगों का एग्जाम्पल था ये वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, अभी एग्जाम्पल निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड का थर्ड पार्ट, क्या दे रखा है भाई, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इन इंटरवल, ये दे दिया, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो भाई मेरे पास एफ एक्स दे रखा है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो एफ एक्स है मेरा वो होगा फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मेरे पास जो एक्स है, इफ एक्स बिलोंग्स टू वन माइनस वन, राइट। अब क्या करो, या तो इसको पॉलिनोमियल मान लो या एफ डैश एक्स निकालो इसका। एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये मेरे पास माइनस का टू एक्स आएगा, तो टू एक्स माइनस वन पे भी डिफाइन है, वन पे भी डिफाइन है, फाइनाइट है, रियल है। तो मैं बोल सकता हूँ जो एफ एक्स है वो क्या होगा, डेरिएबल होगा। एफ एक्स क्या होगा, डेरिएबल होगा इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, इन ओपन इंटरवल वन माइनस वन। अब जो मेरे पास एफ एक्स है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और थर्ड कंडीशन क्या है मेरे पास, थर्ड कंडीशन इज दैट एफ एट माइनस वन इक्वल टू एफ एट वन। चेक करो, माइनस वन पुट करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, वन पुट करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। तो रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशन मेरे पास क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक सी एग्जिस्ट करेगा किस तरह से, कि जो मेरे पास एफ डैश सी होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो देखो ये निकाल रखा है एफ डैश एक्स, इसकी जगह सी पुट कर दो, सी पुट करेंगे माइनस का टू सी इक्वल टू जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, माइनस वन से वन के बीच में, तो बोल देंगे अपनी जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी भाई, वेरीफाइड होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन थिंग इज दैट आपको रोलीज थ्योरम की स्टेटमेंट अच्छे से आनी चाहिए, अगर स्टेटमेंट अच्छे से आती है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स, और इंटरवल दे दिया इन माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर। तो सबसे पहले साइन और कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होते हैं और डेरिएबल भी होते हैं, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो कोस टू एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको ये लाइन लिखनी होगी भाई, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, और जो एफ एक्स है वो डेरिएबल भी होगा, क्या होगा, डेरिएबल भी होगा इन ओपन इंटरवल दिस, राइट। अब क्या करो, थर्ड कंडीशन एफ की वैल्यू चेक करो माइनस पाई बाई फोर पे, ठीक है। एफ इसके अंदर पाई बाई फोर पुट करेंगे, टू माइनस बाहर लिख दिया पाई बाई फोर,
तो क्या आएगा भाई, ये आएगा कोस पाई बाई टू, ठीक है, माइनस का कोस पाई बाई टू, यानी कि कोस 90 माइनस का सिमिलरली कोस पाई बाई फोर, दोनों वैल्यूज क्या आएगी, इक्वल आएगी, इक्वल आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ वैल्यू क्या आएगी, जीरो जीरो आ रही है, तो ये पाई बाई फोर और पाई बाई फोर पे वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, वैल्यूज इक्वल होगी, तो एक्स तीनों कंडीशन रोलीज थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो. अब ये है एफ डैश एक्स निकालोगे माइनस का टू साइन टू एक्स, ये एफ एक्स हो गया एफ डैश एक्स, एक्स की जगह सी पुट करो, सी पुट करेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस का टू साइन सी, इसको इक्वल टू जीरो करो भाई, टू सी आएगा, ठीक है, इक्वेट करेंगे जीरो के, माइनस का टू साइन टू सी इज इक्वल टू जीरो. अब 2c is equal to 0 आ रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं sin 2c is equal to 0. अब 0 कहाँ होता है भाई, sin 0, 0 पे ही तो होता है, 0 पे 0 होता है, तो यहाँ से 2c की वैल्यू क्या आ गई, 2c is equal to 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0. तो 0 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है भाई, ये कितना है माइनस 45, ये कितना है प्लस 45, माइनस 45 और प्लस 45, इसके बीच में 0 लाई कर रहा है, तो बोल सकते हैं जो अपनी रोलीज थ्योरम है वो इसके लिए क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है. ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, अब आता है भाई थर्ड का सेकेंड पार्ट. तो यहाँ पर भी सेम लाइनें लिखनी होगी. फंक्शन क्या दे रखा है, सबसे पहले तो फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स माइनस पाई बाय फोर, और इंटरवल क्या दे दिया, इन जीरो से पाई बाय टू, इंटरवल ये दे दिया. तो कोस का फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, राइट, ये बार बार बताने की चीज़ें नहीं है, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है. तो ये कहाँ होगा, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई बाई टू के बीच में, ये डेरिएबल भी होगा. अब क्या करो, इसको एफ एट जीरो, ठीक है, क्या करो, एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दो, कोस टू जीरो माइनस पाई बाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोस पाई बाई टू. सिमिलरली जब आप पाई बाई टू पुट करोगे एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, कोस टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर. एलसीएम लो, सोल्व करो, सोल्व करोगे तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं एफ एट जीरो इज इक्वल टू एफ एट पाई बाय टू क्या होगी, इक्वल होगी, इक्वल होगी. तो रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है. अगर तीनों की तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ एक सी लाई करेगा किस तरह से, जो मेरे पास एफ डैश सी है वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा. अब आप लोगों के पास 30 सेकंड है, 30 भी नहीं 15 सेकंड है, जल्दी से इसको सोल्व करो, किस तरह से करोगे, इतने क्वेश्चन करवा दिए, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आप लोगों से इसको आप सोल्व कर दोगे, डू इट फास्ट. देखो अब हो गया होगा, इसका डेरिवेटिव करो, एफ टेंस एक्स निकालेंगे तो वो आएगा मेरे पास, कोस का किया साइन टू एक्स माइनस पाई बाई फोर, और जब इस टर्म का करेंगे तो मेरे पास टू बार आ जाएगा. अब क्या करो, एक्स की जगह पे सी पुट करो, माइनस का टू साइन टू सी माइनस पाई बाई फोर, राइट. अब इसको एफ डैश सी को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का टू साइन टू सी माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो. अब ये कहाँ पर जीरो होता है, जीरो पे जीरो होता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आई है भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सी माइनस पाई बाई टू, देखो यार टू सी माइनस पाई बाई फोर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो टू सी माइनस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, तो टू सी इज इक्वल टू पाई बाई टू, और c की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई फोर. क्या c इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा भाई जो c है बिलोंग्स कर रहा है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो बोल दूंगा जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, वेरीफाई होगी. तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, है वेरीफाई होगी, राइट. अब ये क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड का थर्ड पार्ट देखो. बिल्कुल आसान लग रही होगी चीज़ें, है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई.
और साथ की साथ करोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स, और इंटरवल क्या दे दिया भाई, जीरो से पाई। तो साइन और कोसाइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई सारी चीज़ें क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, डेरिएबल भी होगा, एफेट जीरो, जीरो आएगा, एफेट पाई 180 तो भी जीरो आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ एफेट जीरो और एफेट पाई क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशन है वो क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू जीरो से पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। चीजें याद हो गई होगी, है ना। तो एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे कोस एक्स माइनस टू कोस टू एक्स। अब एफ डैश सी, एक्स की जगह पे सी रिप्लेस कर दो, कोस सी माइनस कोस टू सी। अब एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो है तो इसको इक्वेट कर दो जीरो के, ठीक है। 15 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करो इसको, डू इट फास्ट। अब इसके अंदर एक स्टेप है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब कोस टू सी का अपने पास एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। कोस टू सी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर सी माइनस वन इक्वल टू जीरो, राइट, लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है। अब कोस टू सी माइनस फोर कोस स्क्वायर सी माइनस टू इक्वल टू जीरो, टर्म्स को इक्वेट करेंगे, माइनस का फोर कोस स्क्वायर सी प्लस का कोस सी माइनस का टू इक्वल टू जीरो। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब सी की वैल्यू निकालनी है भाई, फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो करो वैल्यू कैलकुलेट, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, जो कोस सी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कोस सी की वैल्यू आएगी बी का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस माइनस अंडर द रूट वन प्लस 32 या वन माइनस 32, राइट, फोर ए सी, फोर ए सी, ठीक है। ये पुट कर दिया अपॉन टू ए, तो यहाँ से मेरे पास जो कोस सी है उसकी वैल्यू आ गई, एक बारी चेक कर लेता हूँ, यही आई है क्या, हाँ यही आई है भाई, टू ए करेंगे तो ये फोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई कोस सी की वन प्लस माइनस अंडर द रूट 33 अपॉन 8। तो ये वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है भाई, ठीक है। तो इसको जर्नली आप सोल्व करोगे तो ये जर्नली आएगी 0. जब आप प्लस की लोगे और माइनस की लोगे तो एक बारी आएगी 8431 और एक बारी आएगी 0.593। इनको जब आप डिग्री, ठीक है, जब आप इनको रेडियन में चेंज करोगे, कैसे करते हैं आपको पता है। तो ये जो सी है भाई, ये कोस सी है, ये लाई कर रहा है किस में, इस इंटरवल के अंदर। तो मैं बोल दूंगा इस फंक्शन के लिए जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, वेरीफाई होगी, ठीक है। ये सी इस इंटरवल में लाई करेगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, वेरीफाई होगी, ठीक है। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है भाई, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी, और जो ए पी है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल नहीं है, अगर पोलिनोमियल नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कैलकुलेट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे होगा, लॉग एम अपॉन एन, क्या फॉर्मूला होता है भाई, लॉग एम बाई एन होता है, तो इसको लिखते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, माइनस लॉग ए प्लस बी इंटू एक्स। अब देखो लॉग एम एन होता है, लॉग एम एन, तो इसको लिखते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, तो करो सोल्व इसको, लॉग एम एन यही लिख रहा हूँ भाई मैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है, एन क्या है मेरे पास, एक्स है, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करो, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा वन अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, राइट। ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस का जीरो, माइनस लॉग एक्स का करेंगे 1/x, ठीक है। अब एक चीज़ देखो भाई, इसके अंदर रियल फंक्शन है, एक्स की जगह ए पुट करेंगे और एक्स की जगह बी पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा भाई, ये फाइनाइट आएगा, डिफाइन होगा और रियल भी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डेरिएबल होगा, और एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो यहां से लिख सकते हैं भाई अपन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सिमिलरली एफ एक्स इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल ए पी, राइट। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस और डेरिएबल दोनों है। थर्ड कंडीशन इज एफ एट ए, क्या वैल्यू देगा भाई, एक्स की जगह ए पुट करो, लॉग ए स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहां पर ए आ गया, राइट। सोल्व करेंगे, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है भाई, ए कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, नीचे से ए ए प्लस बी, तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, इससे ये गया, इससे ये गया, तो लॉग वन, और लॉग वन क्या होता है, जीरो। सिमिलरली यहाँ पर देखो एफ ऑफ बी, एक्स की जगह क्या पुट करो भाई, बी पुट करो, तो ये क्या हो जाए, बी स्क्वेयर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, बी है। अब ऊपर से बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा बी ए प्लस बी, और नीचे क्या है भाई, b a प्लस बी। सिमिलरली ये भी मेरे पास क्या बना रहा है, log 1, और log 1 किसके बराबर होता है भाई, जीरो के बराबर होता है। रोलीज थ्योरम की तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, हैंस ऑल द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम एग्जिस्ट, देन देर एग्जिस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ab सच दैट f डैश c इज इक्वल टू जीरो, तो ये लिख सकते हैं f डैश c इज इक्वल टू जीरो। अब अपने पास देखो भाई f डैश x है, तो इसको f डैश c में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर दो, c पुट कर दो, 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का 1/c, LCM लो गई, LCM लेंगे c, c स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, LCM लिया, LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर प्लस ए बी, सोल्व किया 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये होगा c स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा सी स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन सी अपॉन सी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब एफ डैश सी को इक्वेट करेंगे किसके, जीरो के, जीरो के बराबर रख दिया भाई, जीरो के बराबर रखोगे तो ये वाली टर्म उस साइड जाके जीरो हो जाएगी, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, सी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, सी स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर द रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अंडर द रूट ऑफ ए बी क्या कर रही है, बिलोंग्स कर रही है किससे, ए और बी से, तो अपने पास जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, वेरीफाई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना इसका, ले सकते हो। चीजें बिल्कुल आसान है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ का सेकंड पार्ट है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1 - x² ए की पावर 1 - x² इंटरवल क्या दे दिया, इन 1 - 1 और 1, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल दे रखा है। अब एक चीज बताता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, ये आप नोट में भी देख लेना, प्लस टू की बुक भी पढ़ी होगी, कैलकुलस भी पढ़ के आई हो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, हैंस द एफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल एंड एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कॉन्टिन्यूस होता है तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 - 1, ठीक है। सेकंड एफ डेंस एक्स निकालो, इसका एफ डेंस एक्स निकालेंगे तो ई की पावर 1 - x² एज इट इज, और इसका करेंगे तो माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 2x ई की पावर 1 - x². जब आप इसको -1 पुट करोगे
और वन पुट करोगे तो ये मेरे पास डिफाइन है, रियल है, डिफाइन है, रियल है और फाइनाइट है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन होती है तो जो मेरे पास एफ एक्स है वो क्या होगा, डेरिएबल होगा। एफ एक्स इज डेरिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस वन और वन, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, एवरी डेरिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, या इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब थर्ड कंडीशन है एफ एट माइनस वन, माइनस वन पे पुट करेंगे तो क्या करो, एक्स की जगह वन पुट कर दो, माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन का स्क्वेयर वन ही होता है, ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन होती है भाई। जब आप वन पुट करोगे तो भी ये क्या होगा, ई की पावर वन माइनस वन, ई की पावर जीरो क्या होगी, वन होगी। तो आप बोल सकते हैं यहाँ से अपने पास एक पॉइंट, हेंस द ऑल द कंडीशन ऑफ रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, देन देयर एग्जिस्ट अ वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। अब एफ डैश एक्स निकाला हुआ है, ये रहा, इसकी जगह जस्ट सी पुट कर दो, सी पुट करेंगे तो एफ डैश सी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का टू सी ई की पावर वन माइनस सी स्क्वेयर। तो इसको इक्वेट करो जीरो के, तो देखो भाई जो ये वाली टर्म है ना, ये किसी भी रियल वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगी। अगर आप रियल वैल्यू लेके चल रहे हैं सी की, तो किसी भी सी की रियल वैल्यू के लिए जो मेरे पास ये टर्म है e की पावर वन माइनस सी, ये इक्वल नहीं होगी भाई जीरो के, ठीक है, किसी भी रियल वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, माइनस का टू सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी इज इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू माइनस वन और वन, हेंस द रोलीज थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखो भाई, थर्ड पार्ट है भाई मेरे पास फोर्थ का थर्ड, जो एफ एक्स है वो है मेरे पास ई की पावर एक्स कोस एक्स, इंटरवल दे दिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्लोज इंटरवल दे रखा है। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो अपने को पता है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा भाई, एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, किसमें, क्लोज इंटरवल, राइट। सिमिलरली एफ डैश एक्स निकालो, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो इसको यू इंटू वी से सोल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, कोस का माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कोस एक्स एज इट इज और ई की पावर एक्स लिख दिया, ई की पावर एक्स को कॉमन निकालते हैं तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। अब देखो पाई बाई टू के लिए भी और माइनस पाई बाई टू के लिए भी, फाइनाइट है, रियल है, डिफाइन है, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरे पास एफ एक्स है वो क्या है, इज डेरिएबल, एफ एक्स इज डेरिएबल किसके अंदर, इन ओपन इंटरवल पाई बाई टू, पाई बाई टू, राइट। अब थर्ड कंडीशन क्या है भाई, एफ एट माइनस पाई बाई टू, तो जब आप x की जगह माइनस पाई बाई टू पुट करोगे तो कोस जीरो हो जाएगा, सिमिलरली पाई बाई टू पुट करोगे तब भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो क्या एफ एट माइनस पाई बाई टू और पाई इक्वल टू एफ एट पाई बाई टू, तो दोनों कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन क्या होगी, वेरीफाई होगी, हेंस ऑल द कंडीशंस फॉर रोली थ्योरम आर वेरीफाइड या होल्ड्स, देन देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो क्या करो, एफ डैश एक्स निकाल रखा है, इसके अंदर सी पुट कर दो जस्ट, एफ डैश सी ये होगा ई की पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये फंक्शन ई की पावर एक्स, ये क्या नहीं हो सकता भाई, जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा, ये वाली टर्म जीरो होगी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड करेंगे, वन माइनस ये मेरे पास हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, सी पुट कर रहे हैं भाई, इसको सी लिख लेना, ठीक है, मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि एक्स की जगह सी पुट करते हैं, तो यहां से मेरे पास जो टेन एक्स है उसकी वैल्यू, टेन सी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, और सी की वैल्यू वन क्या होती है भाई, 45 के ऊपर, तो 10 की वैल्यू 1 का होती है 45 पे, तो C की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4, तो ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर से, पाई बाई 2 से, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, राइट।
तो यहाँ पर अपनी जो रोलीज थ्योरम है वो क्या होगी, वेरीफाइड होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें।